दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है भारतीय परिवार या फिर कह लें इंडियंस को मारुति स्विफ्ट इतनी प्यारी क्यों है? क्यों भारत के लोग मारुति सुजुकी स्विफ्ट को इतना प्यार देते हैं, जबकि स्विफ्ट आपको 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग देखने को मिलता है और इस प्राइस में इससे बेहतर गाड़ियां भारत में उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी क्यों इंडियंस को यहाँ पर स्विफ्ट इतना पसंद है? आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 बातें बताऊंगा स्विफ्ट के बारे में, इसको जानने के बाद शायद आपको भी स्विफ्ट से प्यार हो ही जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल ऑटो कंपेयर में पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम 5वें फीचर के साथ शुरुआत करें। दोस्तों भारत में स्विफ्ट की बात कर रहा हूँ तो इसकी आफ्टर सेल वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आप सेकेंड हैंड स्विफ्ट लेने जाते हो तो इसकी कीमत जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, और ऐसे में अगर आप नई गाड़ी भी लेते हो, अगर आप 4 साल उसे चला के बेचोगे तो उसकी कीमत ड्रॉप बहुत कम होती है। मतलब कह ले अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी बाद में बेचना पड़ा तो उसकी कीमत में आपको बहुत अच्छी कीमत में गाड़ी आप बेच सकेंगे। नंबर 4वां फैक्टर है सर्विस। दोस्तों मारुति सुजुकी की यहाँ मैं तारीफ करूंगा गाड़ी कैसी भी हो, लेकिन सर्विस नंबर 1 ये लोग देते हैं भाई। ये एक ऐसा फैक्टर है जो यार कस्टमर का भरोसा जीत जाती है। नंबर 3 है दोस्तों इसका कैबिन इंसुलेशन सिस्टम। दोस्तों मारुति सुजुकी के अगर ऑल्टो भी चलाओगे ना तो उसकी जो कैबिन नॉइस होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। गाड़ी चलती है पता नहीं चलती है, उतनी लगती नहीं है कि गाड़ी उतनी रफ्तार पे चल रही है, क्योंकि यार स्विफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो इसमें 4 सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे इंजन नॉइस काफी कम कर दिया गया है नए मॉडल में। और तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है जो कि इस गाड़ी को लव करने के लिए कंडीशन मिल जाती है। दोस्तों मैं TF की बात करूँ तो यार Tiago एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे ना तो जो कैबिन के अंदर नॉइज आती है, वाइब्रेशन आती है, ये थोड़ी सी एनॉइंग लगती है, पर कुछ लोग को ये अच्छी फील देती है, कुछ लोग एनॉय कर सकती है। अब जैसे मैं जो गाड़ी चलाता हूँ Tiago, दोस्तों इस गाड़ी में दोस्तों आपको ये मजा देती है, जो वाइब्रेशन होती है ना आपको एक फील लाती है। नंबर 2वां फैक्टर है लो मेंटेनेंस। दोस्तों स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है अगर आपकी गाड़ी 5 साल 6 साल 8 साल पुरानी हो जाती है, आउट ऑफ वारंटी हो जाती है, तो आपको इस बात की चिंता करने की या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कंपनी में ले जाएं या बाहर। स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसको कोई भी लोकल मैकेनिक कहीं भी खोलकर भैया शुरू हो जाता है इसका ऑपरेशन करना। और यार बात मानिए, स्विफ्ट मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी कोई भी लोकल मैकेनिक शॉप वाला आपको शोरूम से आधे रेट पे यहाँ पर आपका फिक्स कर देगा। यही वो रीजन है दोस्तों जो सबसे बड़ा यहाँ पर कारण बनता है स्विफ्ट लेने के लिए, क्योंकि लो मेंटेनेंस ही हमारे भारतीयों को गाड़ी चाहिए होती है। नंबर 1वां फैक्टर है माइलेज। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर भारत में लोगों को गाड़ी तो चाहिए होती है, लेकिन उसमें माइलेज सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए स्विफ्ट माइलेज क्यों देता है, इसके पीछे मैं आपको इसका टेक्निकल रीजन बताता हूँ। दोस्तों अगर आप वेट यहाँ पे चेक करें तो Tiago के मुकाबले या फिर एल्ट्रॉस देख लें या i10 देख लें, ये तीनों गाड़ी के मुकाबले जो स्विफ्ट का वेट है वो काफी कम रखा गया है, जिसके कारण जो इसको चलाने के लिए जो पावर नीड होती है वो काफी कम होती है, जिसके कारण स्विफ्ट हमको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन माइलेज देती है। अब दोस्तों यहाँ पर जाते जाते एक और मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताता हूँ रीजन स्विफ्ट को लेने का, दोस्तों वो है भरोसा। ये दोस्तों एक चीज होता है जैसे भरोसा एक बन चुका है मारुति सुजुकी और इंडियंस के बीच में, कि यार गाड़ी मतलब मारुति की गाड़ी लेनी है, मारुति सुजुकी नाम ही काफी है। वो जो भरोसा है, जो सर्विस देती आई है अभी तक मारुति सुजुकी इंडियंस को, उसने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया। अब कुछ लोग ये भी कहोगे कि यार मेरा सब एक्सपीरियंस बेकार रहा, लेकिन 98% लोग का जो मारुति सुजुकी के साथ सर्विस रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा, इसलिए भारत के लोगों को स्विफ्ट इतनी भाती है। दोस्तों बात करें कंपटीशन में ग्रैंड i10 जैसी बेहतरीन गाड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने जो ये फैक्टर बता रहा हूँ ना भरोसा, वो भरोसा मारुति पे ज्यादा है यहाँ पर भारतीयों को। अब दोस्तों इसके पीछे एक और फैक्टर हो सकता है, मारुति भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में से है वो है जो सबसे पहले भारत में यहाँ पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आई। मारुति 800 को यहाँ पर शायद 1982 में इंदिरा गांधी जी ने सुजुकी को वालों से इम्पोर्ट कराना शुरू किया था, और फिर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। टाटा 1989 में आई थी शायद, 90 मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों ये जो टाटा है थोड़ी बात में, हालांकि टाटा हमारा कमर्शियल व्हीकल बहुत पहले से बना रही थी, लेकिन इंडिका को लॉन्च कर टाटा भी आई, लेकिन जो भरोसा होता है या किस्मत कह लें वो मारुति सुजुकी का बहुत अच्छा है, भारतीयों से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और यार मारुति सुजुकी का सर्विस मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, बस भाई थोड़ी सी मेरी इशू है सेफ्टी रेटिंग को लेकर, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर दे तो मजा आ जाएगा।
खैर यही था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो यार एक लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 ऑटो कंपेयर कर सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।